मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। एक कहानी से समझें, एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात है कि उन्हें सामने ही सम्राट मिल गया। फकीर ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त यही है कि मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, यह पात्र कभी भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा, तुम पागल मालूम होते हो। फकीर ने कहा, पागल न होते तो फकीर ही क्यों होते? बादशाह, यह छोटा सा पात्र भरता ही नहीं। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा, लाओ इसे स्वर्ण अशर्फियों से भर दो और इस फकीर का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। फकीर ने कहा कि मैं फिर याद दिला दूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हो तो यह शर्त है कि जब तक भरेगा नहीं पात्र में पीछे हटाऊंगा नहीं। सम्राट ने कहा, तू घबरा मत, हम इसे सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरातों से भर देंगे। लेकिन जल्दी ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। अशर्फिया डाली गई और खो गई, हीरे डाले गए वह खो गए, लेकिन सम्राट भी जिद्दी था। फिर फकीर से हार माने, यह भी तो उसे जचता नहीं था। इसीलिए अपनी राजधानी में खबर पहुंचाई। खबर सुनकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना उलीसता गया। उसने कहा, आज दाव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा मगर उसका पात्र भर लूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी खाली ना होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा सो नहीं भरा। वह गिर पड़ा फकीर के चरणों में कि मुझे माफ कर दो, मेरी अकड़ मिटा दी आपने, अच्छा किया। मैं तो सोचता था कि मेरे पास अक्षत खजाना है, लेकिन यह आपके छोटे से पात्र को भी न भर पाया। बस अब एक ही प्रार्थना है कि मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दें। मैंने व्यर्थ ही आपको आश्वासन दिया आपका पात्र भरने का, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। जीवन भर यही प्रश्न मेरे मन में उठेगा कि यह पात्र क्या है, किस जादू से बना है। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के हृदय वासना से बनाया गया है। ना आदमी की हृदय वासना भरती है और ना ही यह पात्र भरता है। इस जिंदगी में कोई भी चीज तुम्हें तृप्त नहीं कर सकेगी, तुम्हारा पात्र खाली का खाली रहेगा। कितना ही धन डालो सब इसमें खो जाएगा, यह पात्र खाली का खाली ही रह जाएगा। भरे नहीं भरता, ना कभी भरेगा, यह तो केवल परमात्मा से ही भरेगा, क्योंकि वह अनंत है हमारी प्यास, और हमारा परमात्मा भी अनंत है और अनंत को सिर्फ अनंत ही भर सकता है और कोई नहीं। इसीलिए हमें किसी भी किस्म का घमंड नहीं करना चाहिए, बस ईश्वर के आगे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक जो तूने दिया है उसी के लिए तेरा शुक्र है, और उसका उपयोग मालिक के उन दीन दुखी बंधुओं के लिए भी करना चाहिए। अपना दिल बड़ा रखते हुए सबकी मदद करें, तभी हम उस अनंत को खुशी से हासिल कर पाएंगे। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में है।